सूरज सिंह कौशल हैं, मुरार में रहते हैं, उनका मुरार में ऑफिस चलाते हैं और शेयर ब्रोकर का उनका काम है, बोनांजा से उन्होंने फ्रेंचाइजी रखी है। तो उनके पास कल ये लोग भगवान बसंत, विजय सरोलिया, सुभाष शुक्ला, दीपक तिवारी, हुकुम सिंह चौहान वगैरह गए थे और वहाँ पे जाके उसको बोलने लगे, तुम फर्जी कंपनी चलाते हो, हम लोग पत्रकार हैं, ये अपने पास तेलका की, CNN, अखबार आज तक और मानवाधिकार मीडिया के कार्ड वगैरह लिए थे और ID लेकर उसको चमकाने लगे थे और बोले हम तुम्हारी कंपनी बंद करा देंगे। ठीक है, उसके बाद ये बाहर निकले आए। तो उसके बाद इनके बाद दीपक तिवारी करके एक आदमी दोबारा पहुँच के लौट के पहुँचा कि मैं तुम्हारा सेटलमेंट करा दूँगा और तुम्हें 50,000 रुपये देना पड़ेंगे। इस बात की उसने तत्काल सूचना दी, जिसमें STF के माध्यम से सूचना हमारे पास आई। तुमने STF के संपर्क में रहा होगा, तुमने उसको बताया, STF से सूचना हमारे पास आई। तो यहाँ पे मिलने का वादा था महाराजपुरा गेट नंबर 2 पे, रात को 8-9 बजे, 8:30-9 बजे आप वहाँ के मिल लेना। तब जब हमारे पास आया तो इसको हम साथ लेके गए पुलिस की गाड़ी में और दूर खड़े हो गए और उसने जाके जब इनसे बातचीत स्टार्ट करी और जैसे ही उसने पैसे दिए तो उसने हमको इशारा कर दिया। तत्काल जब हमने जाकर इनको पकड़ा और इनसे पूछताछ करी तो इनका ये कहना था कि मेरी जो ENN चैनल बता रहा है कि साहब ऑनलाइन स्टेटस पर कोई कागज नहीं था। तहलका का जो बता रहा है बोला साहब मैं काम करता था, अभी मैं उसमें कंपनी में नहीं हूँ। इसी तरह से अखबार आज तक का भी बोले मैं नहीं हूँ साहब, पहले करता था। मानवाधिकार वाला भी यही बोल रहा है कि साहब मैं नहीं हूँ। तो जब अगर आप नहीं हो तो फिर आप इसको लेके अवैध काम क्यों कर रहे थे? इनने उसके लिए कोई ऑथराइज भी नहीं दिया अपन को कागज। तो इनके ऊपर अपन ने अड़ीबाजी करने का 384 की FIR कर दी है और इनके जो चैनल के नाम लिए हैं इनकी कंपनी से पूछ कर कि वास्तव में अगर उसमें अभी वैध है तो ठीक है, अगर नहीं है तो 400 की धारा भी इनके ऊपर बढ़ाई जाएगी।